दोस्तों, जब भी हम फ्रेमवर्क करते हैं उसके बाद हमें ब्रिक वर्क करनी पड़ती है, और ब्रिक वर्क करने के बाद हमें ये फ्रेमवर्क के साथ इसे मेसनरी वर्क करना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे देखिए ये गलती की गई है, अगर इस तरह से आप अपना मेसनरी वर्क करते हैं तो आपका प्लास्टर में क्रैक्स आ सकता है, वहाँ से जॉइंट ये छोड़ सकती है। साथ में जहाँ पे इसने मोटा प्लास्टर और मोटा मेसनरी किया है वहाँ पे ये दिक्कतें हो सकती।